सारी रियायतें आपको मिलने जा रही हैं और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से 200 ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। इसके पहले श्रमिक और स्पेशल ट्रेन जरूर चलाई जा रही थी, लेकिन इसके अलावा अब 200 ट्रेनें और संचालित की जाएंगी। आज सफर करने वाले जो यात्री हैं उन्हें खास ध्यान ये रखना होगा कि समय से पहले वो स्टेशन पर पहुंचे, क्योंकि वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। साथ ही तमाम एहतियात बरतते हुए आप इस सफर को करिए, क्योंकि संक्रमण का खतरा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि आज इन ट्रेनों में 1 लाख से ज्यादा यात्री सफर करेंगे। रेलवे ने 200 ट्रेनों का चार्ट भी जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत कुछ इस सफर में बदलने जा रहा है। चलिए सीधे हम रुक कर रहे हैं वासु चौरे का। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, आज से 200 ट्रेनें संचालित की जाएंगी और क्योंकि कोरोना संक्रमण के बीच इन ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया है, तो सफर बदला हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ तैयारियां रेलवे स्टेशन पर कर ली गई हैं और यात्रियों को किस तरह से हिदायत दी जा रही है वहां पर, क्या अब काम भी शुरू हो गया है, जो यात्री आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह हो रही है? देखिए रोमिता, बिल्कुल हम सब जानते हैं कि कोरोना ने जो वायरस आया, संक्रमण आया, उसने हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ थी उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं, बहुत सारी बैरिकेटिंग कर दी है और इसी तरीके से रेलवे की तस्वीर भी पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब हमें एयरपोर्ट की तर्ज पर ही रेलवे स्टेशन 1-1.5 घंटे पहले पहुँचना होगा। वहाँ पर अंदर जाने का पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक पैटर्न बनाया गया है, उसको फॉलो करते हुए हमें अंदर पहुँचना होगा। फिर वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, पल्स टेस्ट किया जाएगा, तमाम तरीके की जाँच की जाएंगी। फिर अगर आपके कोई सीट बुक है तभी आप यात्रा कर सकते हैं, या रिजर्वेशन है तभी आप यात्रा कर पाएंगे। आपको अपनी सीट तक पहुंचना होगा, वहां पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और अपने जो पर्सनल एहतियात हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा, जैसे कि आप सैनिटाइज़र रखें, अपनी सीट को खुद सैनिटाइज़ कर लें। ये तमाम तरीके की चीज़ें हमें करनी होंगी जब हम यात्रा करेंगे तो। और उसके बाद जब आप अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ पर दोबारा आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी और दोबारा इसी तरीके का जो पूरा जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाएगा और उसके बाद फिर आप स्टेशन निकलकर अपने गंतव्य तक जा पाएंगे। और अगर इस बीच आप स्क्रीनिंग और जो टेस्टिंग होनी है उसके बीच अगर कहीं भी आप थोड़े भी संक्रमित या होने के आप में लक्षण होते हैं या थोड़े भी आप सस्पेक्टेड पाए जाते हैं तो आपको तुरंत शासकीय क्वारंटीन में भेजा जाएगा और वहाँ पर फिर कोरोना की सैंपलिंग होगी, कोरोना की जाँच होगी और तमाम तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो गाइडलाइंस के तहत वो कराई जाएंगी। उसके बाद ही आपको आपके घर भेजा जाएगा और अगर आप नहीं सस्पेक्टेड होते हैं तो भी आपको हिदायत दी जा सकती है कि आपको होम क्वारंटाइन रहना होगा। तो अभी जो स्टेशन पे जो ट्रेनें आने वाली हैं उनके लिए यात्रियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि थोड़ा पहले पहुंचने की हिदायत रेलवे की तरफ से दी गई थी तो लोग भी इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं और एक पूरे सफर की बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है। रोमिता, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बदला सफर है क्योंकि दुनिया बदल रही है, संक्रमण का खतरा पल पल बना हुआ है, ऐसे में बहुत एहतियात बरतकर आप इस सफर को पूरा करें और ये ध्यान रखें कि आपको 1-1.5 घंटा पहले स्टेशन पहुंचना है, क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग यहां पर की जाएगी आपकी और उसी के बाद यहां पर आपको ये अनुमति दी जाएगी कि आप यात्रा कर सकें। बहुत ध्यान रखिए कि सिर्फ कन्फर्म टिकट अगर आपके पास है तो ही आप सफ़र कर सकते हैं। 90 मिनट पहले पहुंचना है आपको स्टेशन। ये तमाम बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। स्टेशन पर पहुंचने से पहले इन तमाम बातों को आप ध्यान रखें। ट्रेन के किराए में कैटरिंग शुल्क जो है वो शामिल नहीं है। साथ ही हिदायत रेलवे की तरफ से यही दी गई है कि आप ये कोशिश करें कि आप अपने खाने का इंतज़ाम और ये तमाम चीज़ें, जैसे कि कंबल, चादर, तकिया, अब आपको एसी कोच में मिला करता था, ये तमाम चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसलिए इसका इंतज़ाम घर से ही कर चलें आप। फेस कवर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रेन के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा। आरोग्य सेतु ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन में और साथ ही टिकट चेक करने वाले अधिकारी, यात्रा के दौरान टिकट देने का अधिकार नहीं होगा, यानी कि अब तक लोग ट्रेन में पहले बैठ जाते थे, उसके बाद जो टिकट कलेक्टर होता था वो टिकट जो है इशू कर देता था, लेकिन अब इस तरह की कोई सुविधा आपके लिए ट्रेन के अंदर नहीं रहेगी, इसलिए किसी भी गाफलत में ना आए और कन्फर्म टिकट होने पर ही सफ़र करें, तभी स्टेशन जाएँ।
और मध्य प्रदेश में अनलॉक वन कैसा रहने वाला है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए प्रदेश में अब सिर्फ कंटेनमेंट क्षेत्र में लॉकडाउन होगा। इंदौर, भोपाल, उज्जैन संभागीय अभी रेड हॉटस्पॉट बने हुए हैं, इसलिए इन्हें छोड़कर प्रदेश भर में यात्री बसें शुरू करने का फैसला लिया गया है। नाइट कर्फ्यू में थोड़ी सी रियायत ये मिली है कि अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य के भीतर कहीं भी जाने के लिए अब आपको ई पास की जरूरत नहीं होगी। कुछ नगरीय हैं जिन्हें छोड़कर बाजार भी खोले जाएंगे, लेकिन अभी भी क्या बंद रहेगा ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 7 जून के बाद किया जा सकता है। 8 जून के बाद बहुत सारी चीज़ें खोल दी जाएंगी, जैसे कि धार्मिक स्थल है, होटल है, रेस्टोरेंट है, शॉपिंग मॉल है, लेकिन यहाँ पर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सीधे हम रुक कर रहे हैं वासु चौरे का। वासु, आज 68 दिन बाद अनलॉक की तरफ अब देश और प्रदेश बढ़ता हुआ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए आज से क्या खुलने जा रहा है और किस पर पहले की तरह पाबंदी बरकरार है। देखिए रोमिता, जो हमारे मध्य प्रदेश है वहाँ पे 15 जून तक के लिए लॉकडाउन 5 घोषित किया गया है और केंद्र की तरफ से ये अनलॉक 1 है, तो बहुत ये मिला जुला रहने वाला है। काफ़ी रियायतों के साथ इसको लागू किया गया है और मध्य प्रदेश में हम देखेंगे आने वाले दिनों में जो लॉकडाउन 4 था उसे थोड़ी सी ज़्यादा रियायतें नज़र आएंगी, क्योंकि अब आज से जो लॉकडाउन 5 है मध्य प्रदेश का, उसका पहला दिन है, आज पहला चरण उसका शुरू होने वाला है। जो कर्फ्यू है उसमें बहुत हद तक ढील होगी। जो रेड जोन के जिले हैं यानी कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन, उनको छोड़कर अगर देखा जाए तो सभी जिलों को अंदर से पूरी तरीके से खोल दिया गया है। वहां पे सभी तरीके की जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो गई हैं। हालांकि जो लोकल कलेक्टर्स हैं, जो जिला कलेक्टर्स हैं, उनको ये पावर दिए गए हैं कि आप अपनी स्थिति, अपने जिले की स्थिति को देखते हुए फैसला ले सकते हैं कि कितनी रियायत देनी है और कितनी सख्ती देनी है। कुछ जिले ऐसे भी हैं जहाँ पर कोरोना के जो मामले हैं वो हाल में ही सामने आए हैं, तो वहाँ पर खास जो सतर्कता है वो बरती जा रही है। नरसिंहपुर जिले के कुछ जो शहर हैं उनको पूरी तरीके से अभी भी कर्फ्यू में रखा गया है, बंद रखा गया है, ताकि जो इक्का दुक्का मामले आए हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके और जो मामले हैं वो और ना बढ़े। तो इस तरीके से पूरा मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो जो रेड जोन के बाहर के इलाके हैं वहाँ पे बहुत छोटे से पैमाने पर शुरू हुआ है, उसकी जो शासन प्रशासन है वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पे सारे एहतियातों को ध्यान में रखा जा रहा है और इस सबके पीछे का बड़ा मकसद यही है कि धीरे धीरे लोगों की जो आम जिंदगी थी, आम जनजीवन था, उसको पटरी पर लाया जाए। जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसको कैसे करके शुरू किया जाए, तेजी लाई जाए। उसमें जो प्रदेश के रेड जोन के जिले हैं जैसे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो कंटेनमेंट जो एरिया हैं केवल उन्हें छोड़कर वहाँ पे अभी पूरी तरीके से बंद है, सारी दुकानें बंद हैं। वहाँ पे जो लोगों को ज़रूरत का सामान भी उपलब्ध कराना होता है तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और नगर निगम की जो टीमें हैं उन लोगों ने संभाली हुई है। लेकिन उसके बाहर हम देख रहे हैं कि क्लस्टर प्रणाली लगाई गई है, डे सिस्टम लगाया गया है, वीक सिस्टम लगाया गया है। इसके तहत अब बाज़ारों को खोला जा रहा है, जो गैर ज़रूरी सामान है उनकी दुकानें भी अब हमें भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे जिलों में खुली हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस है कि अब लोगों की ज़िंदगी को पटरी पर लाना होगा, क्योंकि कोरोना से लड़ाई तो अभी लंबी चलने वाली है। लेकिन हम इतने दिनों तक ज़िंदगी को लॉकडाउन नहीं कर सकते, आम जनजीवन को लॉकडाउन नहीं कर सकते, इसलिए ये जो लॉकडाउन 5 हम मध्य प्रदेश में कह लें या अनलॉक 1 कह लें, ये बहुत मिला जुला होने वाला है। इसमें बहुत सारी रियायतें होंगी और इस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब पब्लिक की बन जाती है, सरकार से ज़्यादा, क्योंकि हमें अवेयर रहना होगा। बिल्कुल, अब जिम्मेदारी हमारे कंधों पर ज़्यादा है ताकि हम खुद सावधानी और सतर्कता बरतें ताकि संक्रमण से अपने आप को बचा सकें। तो कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर आप सभी जगह आपको रियायतें मिलने जा रही हैं और बहुत ध्यान देकर ही आप घर से निकलें, तमाम एहतियात बरतें और बहुत सारी गतिविधियां आज से शुरू होने जा रही हैं। कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर सारी गतिविधियां आज से रफ्तार पकड़ेंगी। मध्य प्रदेश में जो हॉटस्पॉट ज़िले हैं उन्हें छोड़कर सारी ही जगह रिलैक्सेशन मिलने जा रहा है।